चीज पे कवच चेंज हो गया, ये इसमें मूव कैसे चलेगा इसमें, क्या चेंज हो गया, मैं कर ही रही थी। इधर रख लेगा चीज, बुक पे रख ले। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। जी अम्मा कैसे हो बेटा? मिस ठीक। कैसे चल रही हैं स्टडीज, ऑनलाइन क्लासेस आपकी, कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं? आ तो रहा है मिस, लेकिन ये है कि ये डर नहीं होता ना कि टीचर सामने होंगी पूछेंगी, है ना, ये बड़े मजे की चीज लगती है। अच्छा, where are the rest of the students? अभी आप ही हो just class miss। आज मुझे लगता है हनीन ने भी नहीं आना और आयशा ने भी नहीं आना। क्यों? हनीन तो बहुत दिन से आई नहीं, नहीं पता नहीं क्या उनका प्रॉब्लम, बीमार तो नहीं है? पता नहीं, आयशा कह रही थी कि वो घर पे नहीं है। तो सुबह मॉर्निंग की क्लास किसी ने भी नहीं ली फिर, ना हनीन ने ना आयशा ने? ना हनीन ने भी नहीं ली और ना आयशा ने। चलें लेट्स स्टार्ट। आयान भी आ गए हैं, एंड व्हाट अबाउट साद एंड ताहा? हम आते ही होंगे। हम आते ही होंगे। अच्छा, आपका फर्स्ट लेक्चर आज किस सब्जेक्ट का था? मैथ्स का था। ओके चलें ठीक है, चलें क्या करें, उनका वेट करें या थोड़ा सा पहले प्रीवियस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव स्टार्टेड न्यू चैप्टर, सॉरी न्यू चैप्टर तो सॉरी टेंथ के साथ हुआ है, आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ था डाइजेशन का, डाइजेशन इन ह्यूमंस, उसमें ओरल कैविटी पढ़ लिया था। जी ओरल कैविटी हमने फुल कंप्लीट किया था। ओके मॉर्निंग्स भी पढ़ा था, पेरिस्टाल्सिस तक हमने देखा था लास्ट। अच्छा जी, कैन यू टेल मी सम फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी? कौन बताएगा, आमना या आयान? मैं बताता हूँ। जी बताइए। ओरल कैविटी के बहुत तीन चार फंक्शन है, उनमें पहला फंक्शन फूड सिलेक्शन का है। फूड सिलेक्शन मतलब ये फूड को सिलेक्ट करते हैं कि आया वो ठीक है या गलत, अगर तो उसका जो टेस्ट होता है वो उसको हार्ड लगता है तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है, या ओल्ड लगता है तब भी वो उसे रिजेक्ट कर लेते हैं। इसमें हमारी सेंसेस भी हमारी काम आती हैं। ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक हो गया। ओके व्हाट इज मैस्टिकेशन देन? मैस्टिकेशन होती है खाने को जो चबाना, क्योंकि मैस्टिकेशन के दो फायदे हैं, एक तो जो ऑइसोफेगस होता है वो जो ज्यादा लार्ज पीसेस है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो छोटे पीस को एक्सेप्ट करता है, और दूसरी और बात ये जो एंजाइम होता है वो लार्ज पीसेस पे काम नहीं करता, जो एंजाइम है उसको छोटे पीस चाहिए और लार्जर सरफेस एरिया चाहिए अटैक करने के लिए। वेरी गुड। ओके ओके व्हाट इज लुब्रिकेशन आमना? व्हाट इज लुब्रिकेशन, मीनिंग क्या है इसका? जब हम ड्रिंक करते हैं तो वो सलाइवरी ग्लैंड्स का। जी 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 जी। और फिर वो जूस रिलीज करते हैं और उसे सलाइवा कहते हैं। ठीक है, तो वो मिक्स हो जाता है हमारे बॉलस ये जो फूड है उसके साथ, और उसको वो बिल्कुल एक सॉफ्ट सा पेस्ट बना देते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो उससे फिर लुब्रिकेट मतलब इससे सॉफ्टन हो जाता है ना फूड का जो पार्टिकल्स हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं ड्यू टू सलाइवरी ग्लैंड्स, और जो है हेल्प करता है, जैसे ऊपर अब आयान ने बताया मैस्टिकेशन भी साथ साथ चल रही है और साथ साथ हम इसमें सलाइवा भी ऐड कर रहे हैं, उससे क्या होगा इट विल चेंज इनटू, और इसमें जो एंजाइम है उसका क्या नाम है जो
एंजाइम है उसका क्या नाम है, सलाइवा के अंदर जो एंजाइम है, सलाइवरी एमाइलेज, एमाइलेज, ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज, और ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है. अब स्टार्च कौन से ग्रुप से बिलोंग करता था, इट्स अ प्रोटीन और फैटी एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ याद है? स्टार्च आयान आप कुछ आइडिया दोगे, व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स से बिलोंग करता है. शाबाश, कार्बोहाइड्रेट्स में जो पॉलीसेकेराइड्स थे कार्बोहाइड्रेट्स के, उससे बिलोंग करता है. तो ये जो स्टाइवरी एमाइलेज हैं, ये माउथ में ही समझे कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है. आयान मुझे ये बताइए, इन दोनों ने मैथ्स की क्लास ली है, साद ने और ताहा ने? यस मैम. ये क्यों नहीं है फिर ये इस क्लास में? मैं शुड आई टॉक टू मिस सादिया कि वो कोई क्लास लेते हैं और कोई क्लास नहीं लेते? अजीब बात है वैसे. और पूछेंगे तो आगे से कह देंगे नेटवर्क इशू था. दिस इज वेरी स्टार्च का आप दोबारा बताएंगी? बेटा स्टार्च का मैंने आपको बताया कि स्टार्च, अभी हम पीछे ना एक्चुअली सारे न्यूट्रिएंट्स पढ़ के आए हैं, ठीक है? तो स्टार्च जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स है. बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की आगे से कुछ टाइप्स थी, पॉलीसेकेराइड्स. स्टार्च जो है वो तो बेसिकली पॉलीसेकेराइड से उसका है रिलेशनशिप. पॉलीस और कुछ होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो कि मोनोसेकेराइड्स होते हैं, कुछ डाइसेकेराइड्स होते हैं. मोनोसेकेराइड्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल शुगर्स. डाइसेकेराइड्स में टू मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर्स का ग्रुप बना हुआ होता है, इसीलिए उसे डाई बोलते हैं. अब जो पॉलीसेकेराइड्स है तो नाम से पता चल रहा है कि उसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर शुगर्स की ज्यादा लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल होगा. ये कि जो पॉलीसेकेराइड है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है? तो हमारे, हाँ जी, हमारे माउथ में ही जो सलाइवरी अमाइलेज है ना वो स्टार्च को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है? यानी कि पॉलीसेकेराइड्स वहीं से ही स्टार्ट हो जाती है डाइजेस्ट होना. चलिए जी, मूव ऑन टू द टुडेज टॉपिक. Taha and Saad are here now? Yes, ma'am. Okay, today Aisha and Haneen are absent. Okay, just I have to mention over here. Ma'am, Aisha to math ki class mein bhi nahi aayi thi. Haan ji, she is absent. Beta, aap late kyun hain dono bachche? Ma'am, wo net wagaira kabhi kar problem kar jata hai. Acha ji. अच्छा जी, साद एंड ताहा आपने प्रीवियस लेक्चर भी अटेंड नहीं किया. वी हैव स्टार्टेड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमन, और उसमें आप सिर्फ मैम पिछले वाले लेक्चर में तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्या मसला था. चलें आप इसको रीड कर लीजिएगा टॉपिक को, इफ यू हैव सम प्रॉब्लम तो आप फिर मुझसे नेक्स्ट मंडे वाले दिन पूछ लीजिएगा. सेकेंडली मंडे वाले दिन में आपको अभी एक मैसेज कन्वे कर दूं, आई विल टेक योर क्विज ऑन मंडे, ठीक है? ओके. जिस तरीके से पहला क्विज हुआ था, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा, एमसीक्यूज भी थोड़े ज्यादा होंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी टू होंगे फॉर ईच स्टूडेंट. उसी तरह से सेपरेट स्लाइड होगी एंड एवरी स्टूडेंट विल डू हिज ऑन हिज और हर ऑन स्लाइड. गेट दैट? यस. ओके जी, शुरू से लेकर आज यहां तक आप पढ़ेंगी वहां तक होगा. जी बेटा, मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट करना है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन. यहाँ से क्विज आपका स्टार्ट होगा, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, पेज नंबर 153 से लेके ऑनवर्ड्स जितना हम कवर कर लें आज, ठीक है जी? अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं. हम ओरल कैविटी कर चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टमक, ठीक है? अब इसका आपके बुक पे आप अगर अपना पेज खोल लें फुल डायग्राम के लिए कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप उसमें देख सकते हो कि डाइजेस्टिव जो ट्रैक है हमारा एलिमेंट्री कैनाल है. अगर मैं इसको आगे करूं तो मैं आपको दिखा पाऊंगी, बहुत आगे जाना पड़ेगा मुझे. एलिमेंट्री कैनाल जरा ओपन कर लें तो बताइए कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है. ये मैंने तस्वीर आपके सामने शो कर दी है स्टूडेंट्स. ये हमने उस दिन इस पे थोड़ा सा वर्किंग की थी, व्हाट आर द डिफरेंट नेमिंग्स ऑफ ओवर डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है? अब हमने ओरल कैविटी को उस दिन रीड कर लिया था. नाउ वी आर ऑन द, ये ओरल कैविटी देखें,
येलो पाइप कहाँ पे आ गया, कहाँ पे अब एंटर हो रहा है ओरल कैविटी? स्टूडेंट्स कैन यू सी द स्क्रीन ऑल ऑफ यू? यस यस मैम जी, तो बताइए जरा ओरल कैविटी लीड्स फेरेक्स से क्रॉस गुजरने के बाद कहाँ जा रही है? एसोफेगस में, एसोफेगस से इट विल एंटर इनटू द स्टमक, ठीक है? स्टमक इज अ डायलेटेड पार्ट, डायलेटेड मींस ऊपर तो ये बारीक ट्यूब की फॉर्म में है लेकिन जैसे ही स्टमक स्टार्ट हुआ तो इस ट्यूब का साइज है वो काफी बड़ा हो गया है ना, खुल गया है साइज, तो इसको बोलते हैं डायलेटेड, चीज का बड़े साइज में खुल जाना, बड़े हो जाना। अब हम स्टमक को देखेंगे कि स्टमक में क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे व्हेन फूड विल एंटर इनटू द स्टमक। अब ओरल कैविटी तो मैस्टिकेशन हो गई और कुछ थोड़ी सी डाइजेशन हुई स्टार्च की, बट व्हेन द फूड एंटर्स इनटू द स्टमक तो स्टमक की एक स्पेशल, अल्लाह ताला ने स्टमक की जो बॉडी है उसको स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। इसकी जो वॉल है दिस इज वेरी स्पेशल, स्टमक की जो वॉल है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का मतलब है कि ये बार बार सुकड़ेगी भी और रिलैक्स भी करेगी और उसकी वजह से इसके अंदर मस्कुलर मूवमेंट्स होंगी, मस्कुलर मूवमेंट्स, ये बार बार मूव करेगा और मस्कुलर मूवमेंट्स की वजह से जो फूड है इसके अंदर ऐसे मूव करेगा जैसे ग्राइंडर के अंदर हम कोई चीज डाल के तो ग्राइंडर भी चला देते तो वो बिल्कुल मूव करना शुरू कर देती है। इसी तरह से फूड विल मूव इन द स्टमक ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ऑफ स्टमक, ठीक है? एक तो ये चीज हो गई जी। साथ क्या बताया मैंने आपको? ताहा इज विद यू? साद एंड ताहा आर यू हियर? इनका माइक तो नहीं। साद एंड ताहा बेटा आप अनम्यूट कीजिए अपने माइक को एंड शो योर स्क्रीन्स टू मी एज वेल। Show your screens, all the students kindly show your screens. आवाज पता नहीं मेरी जा रही है। आमना की तो हो गई, ठीक हो गया। आयान, ताहा एंड साद बेटा शो योर स्क्रीन, आई वॉन्ट टू सी यू। मुझे ऐसे लगता है जैसे आप ना ऑन करके तो होते नहीं हो प्रेजेंट रूम में। अभी भी I can't see you both of you. आयान आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes ma'am. Yes वो कह रहे कि हम unmuted हैं. Unmuted हैं? हाँ जी, तो फिर उनको जैसे आप दोनों को मेरी आवाज clear आ रही है, उन दोनों को क्यों नहीं आ रही? Why they are not responding to me? कोई answer भी नहीं कर रहे। ताहा लेफ्ट हो गया। चलें ठीक है, इट्स ओके, जो भी होगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं स्टमक से। स्टमक का मैंने आपको पहले तो बता दिया कि स्टमक जो है वो ओसोफेगस से अगला जो पार्ट है दैट इज नोन एज स्टमक और ये डायलेटेड पार्ट है। डायलेटेड मींस इसका जो हिस्सा है वो जरा खुला हुआ है, बड़े साइज का है। तो आयान आप इसको रीड करो, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती जाती हूँ। इट्स अ जे शेप्ड, आप रीड करो, मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ जी। स्टमक इज अ डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट इज जे शेप्ड, लोकेटेड इन द लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन जस्ट बिनीथ डायाफ्रेम। Stomach has two main portions. Cardiac portion of stomach is present. Immediate portion is located beneath cardiac portion. Stomach has two sphincters. Cardiac sphincter is between stomach and esophagus, while pyloric sphincter is between stomach and small intestine. Bolus enters stomach from esophagus through cardiac sphincter. Okay, when food enters stomachs. जी बेटा यहाँ पे जरा स्टॉप कीजिए, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं आगे। जी स्टूडेंट्स यू कैन सी द पिक्चर ऑफ स्टमक ऑन द स्लाइड।
जी अब यहाँ देखिए ऑसोफेगस विल एंटर इनटू द स्टमक एंड स्टमक ये जो पिंक सा आपको नजर आ रहा है दिस इज अ कार्डियक स्टमक. उन्होंने कहा कि जो स्टमक है ये जे शेप में है, ठीक है, इसकी शेप ऐसे जैसे जे लिखा हुआ है आपने. और इट हैज टू मेजर पोर्शंस. ऊपर वाले पोर्शन को बोला जाता है कार्डियक पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन को बोला जाता है पाइलोरिक पोर्शन. ठीक है, कौन से दो पोर्शन है? कार्डियक पोर्शन एंड पाइलोरिक पोर्शन. अब जी अब आप ये देखो ये जो पिंक कलर का यहाँ पे सर्कल नजर आ रहा है दिस इज बेसिकली स्फिंक्टर. अब स्फिंक्टर क्या चीज है? ये जैसे ही ओसोफेगस से एंटर हो रही है ना अंदर स्टमक की तरफ एंट्री हो रही है वहां पे रास्ते को बेसिकली यहाँ पे जैसे रबर बैंड लगा के टाइट किया हुआ, जैसे बैलून के ऊपर हम रबर बैंड लगा देते हैं. ठीक है, तो ये जी इसका मकसद क्या है कि ये नॉर्मली तो बंद रहेगा लेकिन जैसे ही फूड ओसोफेगस में इधर आएगी तो फिर ये ओपन होगा और फिर जो फूड है वो स्टमक के अंदर एंटर हो जाएगा ताकि सारे का सारा फूड जो है वो जब एंटर हो जाए तो दोबारा से ये जो रास्ता है ये क्लोज हो जाए. इसका मकसद ये है कि फूड अगर ये फुल टाइम खुला रहेगा तो ऐसे भी होता है ना समटाइम्स कि फूड ऊपर की तरफ मूव करना ना शुरू कर दे, वापसी की तरफ ना जाना शुरू कर दे, तो उसको स्टॉप करने के लिए कार्डियक स्फिंक्टर जस्ट बिहेव लाइक अ गार्ड. ठीक हो गया, आगे चलते हैं. और यहाँ पर पाइलोरिक स्टमक भी है. जब फूड स्टमक से अपना फुल डाइजेशन कर लेगी तो फिर यहाँ पर भी इसी तरह से गार्ड स्फिंक्टर मीन्स इट्स अ रबर बैंड लाइक स्ट्रक्चर जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है. जब स्टमक When stomach is fully filled with food, तो फिर ये जो sphincter है ये open होगा, relax करेगा, ढीला हो जाएगा और जो food है वो आगे small intestine में pass on कर जाएगी. ठीक है, इसका function अब आपको मैंने बताया कि what are the functions of cardiac sphincter and pyloric sphincter. Basically they are the guards at the opening side of the stomach and the लास्ट एंड ऑफ द स्टमक. ठीक है, एक गार्ड रखे हुए अल्लाह ताला ने यहाँ पे ताकि फूड जो है वो एकदम से ऐसे ना हो कि जैसे यहाँ आई तो आगे पास ऑन कर जाए. आगे पास ऑन तभी करेगी जब कुछ देर यहाँ पे 4-5 घंटे यहाँ पे स्टे करे और डाइजेशन उसकी हो जाए, फिर फूड आगे पास ऑन करेगी. और जब पास ऑन करना होगा तो ये स्फिंक्टर लूज हो जाएगा, इजी हो जाएगा, खुल जाएगा, जिससे रास्ता मिलेगा फूड को और आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएगी. अब स्टमक के अंदर होता क्या है? स्टमक की जो वॉल है दिस इज वेरी स्पेशल और इसकी वॉल में गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं. जूसेस मींस इसके अंदर से कुछ सिक्रीशंस निकलती हैं. उन गैस्ट्रिक जूसेस में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? एक तो म्यूकस शामिल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल है और एक एंजाइम है पेप्सिनोजेन. कौन कौन सी तीन चीजें हैं? हु विल टेल मी गैस्ट्रिक जूस में कौन सी तीन सिक्रीशंस शामिल हैं? आमना बेटा आप बताइए. मिस पेप्सिनोजेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरा है म्यूकस. म्यूकस जी, ये तीनों चीजें स्टमक की वॉल से रिलीज होंगी और रिलीज होने के बाद फूड के अंदर मिक्स हो जाएंगी. और फूड ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि स्टमक जब मुसलसल मूव कर रहा होता है इसकी वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही होंगी जिसकी वजह से फूड मुसलसल चर्निंग की फेज में होगा. चर्निंग मीन्स इट विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. ठीक है जी, अब यहाँ तक आपने कर लिया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हु विल रीड फ्रॉम हियर? साद आप रीड करोगे यहाँ से? यस मैम. When food enters stomach, the gastric glands found in the stomach wall are stimulated to secrete gastric juice. Gastric juice is composed chiefly of mucus, hydrochloric acid, and a protein digesting enzyme pepsinogen. Hydrochloric acid converts the inactive enzyme pepsinogen into its active form pepsin. Its CL also kills microorganisms present in food. Pepsin partially digest the protein portion of food, bulk of mutton, into polypeptides and shorter peptide chains. अच्छा जी, अब यहाँ पर एक short question आएगा. Short question आप बना सकते हो. What is gastric? What are gastric glands? तो या gastric juice. Sorry, what is gastric juice? उसके अंदर ये सारा आ जाएगा कि कौन-कौन सी चीजें gastric juice में हैं.
और नेक्स्ट अगली जहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वहां पे उसका फंक्शन आएगा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली आ जाता है बोर्ड एग्जाम. और इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो काम है क्या, एक तो ये पेप्सिनोजिन को एक्टिव करता है. पेप्सिनोजिन इज एन इनएक्टिव एंजाइम, ये काम नहीं करेगा तब तक नहीं करेगा जब तक इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स ना हो. जब मिक्स हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में. और पेप्सिन में जब कन्वर्ट होगा फिर ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा. ठीक है, क्या रीजन है, ऐसे क्यों है, अल्लाह ताला ने ऐसे क्यों किया कि पेप्सिन को इसकी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज करवाया, कोई बच्चा बता सकता है सोच के कि क्या रीजन हो सकती है? वो कभी भी रिलीज ना हो जाए. नहीं, पेप्सिन का फंक्शन है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना, बेसिकली इसका फंक्शन ये है कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है. तो लेकिन ये यूजफुल प्रोटीन्स को डाइजेस्ट ना कर ले. हाँ जी, हमारे ये जो स्टमक की वॉल है दे आर आल्सो मेड ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, तो प्रोटीन्स है. अब अगर पेप्सिन अगर एकदम से रिलीज होगा तो वो तो स्टमक की वॉल्स को भी डाइजेस्ट कर सकता है. ठीक है, इसलिए इसको इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है, पेप्सिनोजिन की फॉर्म में. ये तभी एक्टिव होगा जब इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स होगा. अब एक और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड में आता है, मेरे जैसे एकदम आया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एक एसिड है, एसिड अगर स्टमक में जाएगा तो ये तो बड़ा नुकसान करेगा, तो इस चीज से हम कैसे बच सकते हैं? इस चीज से ऐसे बच सकते हैं कि म्यूकस भी तो रिलीज हो रहा है ना साथ साथ गैस्ट्रिक जूस में, तो जो म्यूकस है, म्यूकस जो है वो स्टमक की वॉल के ऊपर कवरिंग कर देगा, एक लाइनिंग बना देगा जिससे स्टमक की वॉल महफूज रहेगी फ्रॉम द एसिड. ठीक हो गया जी, आमना समझ आया आपको ये दो पॉइंट्स? ये मोस्टली ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये भी आता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एसिड तो ये स्टमक को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता, तो इसका आंसर क्या होगा जी आमना, व्हाट इज द आंसर? मींस म्यूकस होता है दैट्स व्हाई वो गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस भी निकल रहा है. म्यूकस जो है वो स्टमक की वॉल के ऊपर एक कोटिंग कर देगा जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड डायरेक्ट स्टमक की वॉल पे इफेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, आगे चलते हैं स्टमक का. अच्छा जी, आगे एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ये मैंने आपको बता दिया है, ये जो भी इस पैराग्राफ में ये जो बात हो रही है ना, ये यही है जो हमने डिस्कस किया है कि पेप्सिनोजिन क्यों, पेप्सिनोजिन की फॉर्म में निकलता है, पेप्सिन में क्यों नहीं निकलता. यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि स्टमक का बेसिकली फंक्शन क्या है, चर्निंग करना. चर्निंग मीन्स टू ब्रेक डाउन द लार्जर पार्ट्स ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स. ठीक है, चर्निंग में ये होगा और साथ साथ जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज हो रहे हैं वो प्रोटीन्स को स्मॉलर पेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. वैसे प्रोटीन को किस फॉर्म में कम्प्लीट डाइजेशन जब हो जाती है प्रोटीन की, तो किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? बेसिकली हम पीछे न्यूट्रिएंट्स पढ़ के आए हैं, किस में कन्वर्ट होना चाहिए, लास्ट पार्ट क्या है प्रोटीन, अगर टोटल सिंपल फॉर्म में चली जाए तो किस फॉर्म में आनी चाहिए प्रोटीन? अमाइनो एसिड्स. वेरी गुड, अमाइनो एसिड की फॉर्म में. लेकिन अभी तक प्रोटीन जो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हुई, अभी वो पेप्टाइड चेन्स की फॉर्म में है, यानी कि अभी प्रोटीन की फाइनल शेप नहीं आई जो कि फूड ब्लड में डिजोल्व हो सकती है. इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसकी जो फाइनल फॉर्म है जो कि ब्लड में डिसॉल्व होती है वो है ग्लूकोज, लेकिन अभी स्टमक के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी फाइनल फॉर्म में नहीं आए, ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं है, बल्कि अभी दरमियान में ही किसी बड़ी स्टेज पर है, जैसे कि पॉलीसेकेराइड्स मैंने आपको बताया था. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ से रीड करते हैं. आमना, यू रीड द लास्ट टू लाइन्स. हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट, आमना बेटा नीचे नीचे आ जाइए, स्टमक के लास्ट पैराग्राफ पे आ जाइए. एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ये तो बेटा मैंने आपको क्लियर कर दी. आप स्लाइड नहीं देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे, माउस जहाँ पे शो हो रहा है वहां से देखें. द स्ट्रेच इन आवर बाइट टू of bread and the protein in mutton have been partially digested and the food has been converted to a soap like mixture called
चाइम आफ्टर इट द पाइलोरिक स्फिंक्टर अलाउ अ लिटिल मास ऑफ चाइम टू एंटर ड्यूडेनम ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अब वो बता रहे हैं कि स्टमक के अंदर जो हमारा फूड है वो पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रोटीन अभी फुली डाइजेस्ट नहीं हुई कार्बोहाइड्रेट्स अभी फुली डाइजेस्ट नहीं हुए अभी वो किस फॉर्म में है अनडाइजेस्टेड फॉर्म में है और सूप लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज चाइम अब चाइम जो है वो आगे पास कर दिया जाएगा ड्यूडेनम के अंदर अच्छा जी यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन फिर आ गई सम क्वांटिटी ऑफ अच्छा जी वो बता रहे हैं कि जैसे ही हम अपने मुंह में नवाला रखते हैं ना तो साथ ही जो गैस्ट्रिक जूस है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है अब गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे रिलीज हो रहा था स्टमक के अंदर यानी कि जैसे ही हम मुंह में नवाला रखते हैं तो स्टमक में जूसेस रिलीज होना शुरू हो जाते हैं ताकि जैसे ही फूड नीचे जाए स्टमक तक पहुंचे तो अपना काम फौरन स्टार्ट कर दे और इस स्टेप पर एक और जो है ना हार्मोन वो भी रिलीज हो रहा होता है जो कि कहलाता है गैस्ट्रिन और गैस्ट्रिन क्या करता है स्टमक की वॉल्स को एक्टिवेट करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर सके अगर तो हमारी फूड के अंदर स्टूडेंट समझ आ रही है आपको कोई बच्चा ऐसा जिसको कोई पॉइंट क्लियर ना रहा हो तो मुझे साइड आप बता सकते हैं आयान वेयर आर यू बेटा मैं इधर ही हूँ जी बताइए मैंने मुझे आज ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप लोग पता नहीं कहाँ पे हैं कोई बच्चा जो है वो क्वेश्चन या मैं शायद ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रही बार बार क्वेश्चन करती हूँ तो आप एक्टिवेट रहते हैं है ना क्लास में जी अयान ये जो ब्लॉक है इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है थोड़ा बताएंगे आप इसमें गैस्ट्रिन के बारे में बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि जो स्टमक वॉल्स होती है वो इस ये एक्टिवेट करता है जी और गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन बेसिकली गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन जो कि स्टमक की वॉल्स को एक्टिवेट करता है ठीक है इसके अलावा यहाँ पर ये बात भी बताई जा रही है इन लाइंस में अकॉर्डिंग टू द फूड कि फूड के अंदर कितना प्रोटीन है कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके हिसाब से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा स्टमक में अगर तो हमारी फूड बहुत सिंपल है विटामिंस खा रहे हैं या मिनरल्स खा रहे हैं उसमें कोई खास प्रोटीन नहीं है तो गैस्ट्रिक जूस भी उसी हिसाब से कम रिलीज होगा लेकिन अगर फूड टोटली बेस करती है मटन पर चिकन पर एग पर जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है तो फिर गैस्ट्रिक जूस की ज्यादा क्वांटिटी जो है वो रिलीज होगी अब ये अब डायरेक्ट आपका लिंक करता है हमारे हार्मोनल सिस्टम के साथ यानी कि हार्मोन्स जो हैं वो गेस करते हैं कि कितना फूड का टाइप क्या है और उसके हिसाब से कितना गैस्ट्रिक जूस स्टमक में रिलीज होना चाहिए ठीक है जी हु विल टेल मी अ ब्रीफ अकाउंट ऑन स्टमक व्हाट इज स्टमक ताहा कहाँ पे है ताहा की अभी तक कोई मुझे आवाज नहीं है जी ताहा बताइए व्हाट इज अ स्टमक हमारी बॉडी में ये क्या रोल प्ले करता है मैम फूड की डाइजेस्टन में रोल प्ले करता है मैम गैस्ट्रिक जूसेस और द मैम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जरिए फूड को ब्रेक डाउन करता है और गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से तीन तरह के सिक्रीशंस हैं जो कि निकल रही हैं और ये कहाँ से निकल रहा है गैस्ट्रिक जूस स्टमक के कौन से पार्ट से निकल रहा है मैम जो तीन वो सिक्रीशंस निकल रही हैं एक का नाम मैम पेप्सिनोडिन जी साथ बताइए बताएं साथ और हाइड्रोक्लोरिक यस मैम बताएं मैंने कहा ताहा को बताइए और आई कैन लिसन योर वॉइस चले कोई बात नहीं हेल्प कर रहे हो आप उसकी ताहा वैसे बेटा आपको समझ आ रहा था ताहा साथ से यस मैम लेकिन वो तीन सेक्रीशंस का नहीं पता चला था एक्चुअली मुझे इसलिए थोड़ा ऑड लगता है कि क्लासरूम में ना बहुत क्वेश्चंस करते थे साद एंड ताहा स्पेशली आयान भी लेकिन अब ऑनलाइन क्लास लेते हुए मुझे ऐसे फील होता है जैसे पता नहीं आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आपको क्वेश्चन ही नहीं पुट करते थोड़ा इससे मुझे अजीब लग रहा होता अच्छा साद बताइए कौन सी तीन सेक्रीशंस हैं साद बताइए कौन सी तीन सेक्रीशंस रिलीज होती हैं स्टमक वॉल से मैम पेप्सिनोजेन
और mucus, mucus and hydrochloric acid. Okay. आयान हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एक एसिड है तो वो स्टमक को डिस्टर्ब नहीं करता, डैमेज नहीं करता स्टमक वॉल को? नहीं मैम, क्योंकि जो म्यूकस है ना वो लाइनिंग कर देते हैं जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय नहीं करता. म्यूकस जो है वो स्टमक वॉल को लाइन कर देता है, प्रोटेक्ट करता है, उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ा देता है जिस वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इसको डिस्टर्ब नहीं करता. ओके, पेप्सिनोजेन किस एंजाइम में कन्वर्ट होगा व्हेन इट मिक्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड? आमना आप बताइए. क्या मैं? पेप्सिनोजेन एंजाइम जो है वो किस एंजाइम में कन्वर्ट होगा व्हेन इट मिक्स विद मिक्सेस विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड? एनीवन एल्स? पेप्सिन. जी आमना, पेप्सिन में कन्वर्ट होता है. और क्यों ये स्टेप रखा हुआ अल्लाह ताला ने बीच में? क्यों डायरेक्ट पेप्सिन क्यों नहीं रिलीज हो रहा गैस्ट्रिक जूस में, क्या वजह है? क्योंकि वो स्टमक वॉल्स को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले उसको एक्टिव करता है फिर जाके वो काम करना शुरू करता है. जी अगर डायरेक्ट रिलीज हो तो फिर स्टमक वॉल्स आर वो भी प्रोटीन से मिलके जी बनी हुई. ठीक है आमना, क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? ओके साथ, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर? यहाँ पे रबर बैंड की तरह आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे दो, जैसे जस्ट लाइक अ रबर बैंड. जैसे बैलून के ऊपर हमने वो उसको हवा बाहर निकलने से रोकने के लिए रबर बैंड लगा देते हैं ना, यहाँ पे स्टार्टिंग एंट्री पे भी लगा हुआ है और एग्जिट पे भी लगा हुआ है. क्या क्या वजह है, क्या रीजन है इसकी? मैं बताऊं? जी बताइए मैम. कार्डियक स्फिंक्टर स्टमक और ओसोफेगस के दरमियान होता है और पाइलोरिक स्फिंक्टर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान होता है. तो क्यों होता है वैसे, क्या रीजन अल्लाह ताला ने यहाँ क्यों रखा हुआ है, क्या फंक्शन है इसका? मैम ये गार्ड चला जाए. मैम गार्ड्स के तरह गार्ड की तौर पर एक्ट करते हैं. शाबाश, जस्ट बिहेव लाइक गार्ड्स, ताकि अगर फूड जो है वो ओसोफेगस से आकर इसमें जब ओसोफेगस से फूड यहाँ तक पहुंचता है ना स्टमक के पास, तो फिर ये ओपन होता है, रिलैक्स करता है और फिर फूड अंदर चली जाती है और फिर दोबारा बंद हो जाता है ताकि फूड वापस ना जा सके. समझ आ रही है बात? यस. अगर वापस फूड जाता है तो फिर क्या होता है, आपको पता है ना, वॉमिटिंग महसूस होती है, इसलिए उसको रोकने के लिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने स्टॉप लगा दिया. इसी तरह से अगले पाइलोरिक स्फिंक्टर में भी सेम ये गार्ड रखा हुआ है, ताकि जब फूड अनडाइजेस्टेड फॉर्म में यहाँ तक पहुंचती है तो फिर इट विल एंटर इनटू द ड्यूडेनम. ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, और जब फूड यहाँ चली जाएगी तो फिर दोबारा से ये रास्ता बंद हो जाएगा ताकि फूड बैकवर्ड रास्ता ना ले, वापस ना आए पाए. ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ है सब स्टूडेंट्स को? यस मैम. अच्छा जी, आगे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन अब स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स. इसका जो पहला पार्ट होगा जो कि बहुत छोटा होता है, ऑलमोस्ट 10 इंचेस का, वो कहलाएगा ड्यूडेनम. क्या कहलाएगा? ड्यूडेनम. अच्छा जी, इससे नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो थोड़ा लंबा है, 2.4 मीटर. मीटर मीटर बहुत लंबी लेंथ होती है, लेकिन देखिए हमारी बैली के अंदर अल्लाह ताला ने ये ट्यूब ऐसे कॉन्वोल्यूटेड फॉर्म में रखी हुई है. और जो नेक्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम से अगला, इट्स 2.4 मीटर लॉन्ग और उसका नाम है ड्यूजेनम. क्या नाम है इसका? ड्यूजेनम. ड्यूजेनम. और उसके बाद लास्ट में जो थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इट इज 3.5 मीटर लॉन्ग. ठीक है, और उसका नाम है इलियम. ठीक है, अब ये तीन आपने इसके नाम याद रखने हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्री नेम है, और फर्स्ट नाम है ड्यूडेनम, सेकंड वन इज ड्यूजेनम, एंड द थर्ड वन इज इलियम. ठीक हो गया? यस जी. ड्यूडेनम में अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इधर एंटर हो जाएगा और फर्दर जो इसकी डाइजेशन है वो यहाँ पर होगी फूड की. और डाइजेशन होने के लिए ऑब्वियसली वी नीड सम एंजाइम्स और सम सिक्रीशंस, और वो सिक्रीशंस के नाम यहाँ पर दे दिए गए हैं. फर्स्ट सिक्रीशन इज नोन एज बाइल. ठीक है,
बाइल ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है पिक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं तो फिर आपको पता चलेगा, ये आ रही है बेसिकली लिवर से, ठीक है। लिवर के लिवर इज अ ग्लैंड, इट्स अ ह्यूज ग्लैंड ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, और ये लिवर से आ रही है, और लिवर में ये कहाँ पे कलेक्ट होगी, गॉल ब्लैडर में। जब ये देखिए वो आ रही है, कुर्बानी के दिन आ रहे हैं, जो जो बच्चे जिनके घर में कुर्बानी होती है और वो बकरे को अगर देखते हैं कुर्बान होते हुए, तो ये पार्ट्स आप इजीली एग्जामिन कर सकते हो। बॉयज जो है ना वो बेसिकली पास ही खड़े होते हैं, तो वो देख रहे होते हैं कौन कौन सा हिस्सा कट हो रहा है। कभी देखा है किसी बच्चे ने बकरे का लिवर या उसका गॉल ब्लैडर, उसकी ये पार्ट्स कभी नोटिस किए हैं कि नहीं? Yes, ma'am. अच्छा, तो लिवर के अंदर ये एक छोटा सा सैक लाइक पोर्शन है, और इसके अंदर क्या बन रहा होता है, बाइल। बाइल जो है ये एक एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो कि लिपिड्स को इमल्सिफाई करते हैं, इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं। इमल्सिफिकेशन लिपिड्स बेसिकली फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं ना, तो उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर रहे, जस्ट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर वर्ड आया है इमल्सिफिकेशन का, दैट इज बाय ड्रॉपलेट्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ताकि जो एक लिपिड है ना उसका बड़ा ऐसे स्ट्रक्चर होता है हार्ड सा, उसको छोटे 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 पार्ट्स में कन्वर्ट करके ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ले जाते हैं, एंड दिस प्रोसीजर इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। और ये बाइल कहाँ से आ रही है, बाइल डक्ट के थ्रू, डक्ट मीन्स छोटी सी ट्यूब के थ्रू आ रही है, जो कि कहाँ मौजूद है, गॉल ब्लैडर के साथ लगी हुई है वो ट्यूब, और गॉल ब्लैडर की ट्यूब जो है वो इधर शिफ्ट कर देता है, सारे का सारा जो बाइल है, जो सारा लिक्विड है वो शिफ्ट हो जाता है ड्यूडेनम, ठीक है। सेकंड जो सिक्रीशन है दैट इज जूस, पैंक्रियाटिक, पैंक्रियाटिक जूस, ये भी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। पैंक्रियाटिक जूस हैज थ्री मेन एंजाइम्स नोन एज ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, और थर्ड आ जाएगा लाइपेज, ठीक है। ये तीन एंजाइम्स हैं जो कि पैंक्रियाटिक जूस से निकलते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन्स को फर्दर डाइजेस्ट करेगा, ताकि वो मजीद छोटे हो जाए, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाए। जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर जो है ना डाइजेस्ट करेगा, पॉलीसेक्राइड्स को मजीद डाइसेक्राइड्स में, डाइसेक्राइड से मोनोसेक्राइड तक लेके जाएगा। और जो थर्ड एंजाइम है दैट इज लाइपेज, इट विल डाइजेस्ट लिपिड्स, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद करने पड़ेंगे नेम्स इनके, और ये भी देखना पड़ेगा कौन सा एंजाइम क्या चीज डाइजेस्ट कर रहा है। थर्ड जो जूस है दैट इज इंटेस्टिनल जूस, यानी कि इंटेस्टाइन की वॉल्स के अंदर से अपने एंजाइम्स भी निकलते हैं, जो कि फूड को फर्दर डाइजेस्ट करते हैं। आज का टॉपिक मैं यहीं तक रखूंगी, क्योंकि थोड़ा सा टफ है, इसको लर्न करने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। अब हु विल रिपीट ऑल दीज थ्री जूसेस जो के जोजिनम में रिलीज हो रहे हैं, हु विल रिपीट, वॉलंटियर कीजिए। ताहा आप करोगे बेटा? यस मैम। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, उसके आपने जो तीनों इसकी सिक्रीशंस हैं, इनके बारे में बस रिपीट कर दें, ताकि थोड़ा सा। मैम मैं दो मिनट पढ़ रहा हूँ जी। बाइल फ्रॉम लिवर हेल्प्स इन द डाइजेस्टन। जी जी पढ़ते जाइए मैम, वो बुक से देखकर पढ़ लो। आप बुक से देख के पढ़ लो, मैंने कहा डायग्राम आपको जब तक दिखा दूं ना, टाइम इज जस्ट 2 मिनट्स आर लेफ्ट बेसिकली। बुक नहीं है आपके पास सामने, मुझे स्क्रीन दिखानी पड़ेगी आपको। बुक जी ये देखिए स्टूडेंट्स, गॉल ब्लैडर आप देख सकते हो कैसा है, ये लिवर है, ये जो रेड By keeping the lipid droplets separate from one another, pancreatic juice from pancreas contains enzyme trypsin, pancreatic amylase and lipase, which digest proteins, carbohydrates and lipids respectively. Intestinal
juice from intestinal walls contain many enzymes for the complete digestion of all kinds of food. Okay, students, can you see the screen which I show you? Yes, miss. जी अब आप देख सकते हो ये लिवर है. लिवर नजर आ रहा है आपको इतना, ये जो पर्पलिश रेडिश डार्क कलर का है, दिस इज लिवर. ये बेसिकली हमारा, और इसके लोब्स होते हैं, एक है इसका राइट लोब है और दूसरी तरफ लेफ्ट लोब, मतलब इसके हिस्से बने हुए होते हैं. जब ये अक्सर कुर्बानी होती है तो बच्चे ये जो है ना वो सारा देख रहे हैं, लिवर भी सारा उसमें नजर आ रहा होता है और उसको हम खाते भी हैं कट करके स्टार्ट में. और ये ब्लूइश शेड में दिस इज गॉल ब्लैडर, इसके अंदर सारी जो है ना बाइल इकट्ठी हो रही होती है फ्रॉम द लिवर. लिवर अपना सारा बाइल इसमें कलेक्ट करता है और दिस इज अ बाइल डक्ट, और इस डक्ट के थ्रू सारा जो सिक्रीशन है वो यहाँ पर रिलीज हो जाता है फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम के अंदर. जी स्टूडेंट्स, नजर आ रहा है आपको? यस मैम. जी अब यहाँ पे गॉल ब्लैडर ब्लू शेड में नजर आया. पैंक्रियास यहाँ पर देखें, इट्स अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिससे पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा और तीन तरह के एंजाइम्स यहाँ से रिलीज होंगे और ड्यूडिनम में एंटर हो जाएंगे, ठीक है, और तीसरी सिक्रीशन अपनी होगी ड्यूडिनम की. चलें जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज का टॉपिक रखते हैं और गेट रेडी फॉर क्विज ऑन मंडे ऑल ऑफ यू. और प्लीज आयशा को भी ये मैसेज कन्वे कीजिएगा और हनीम को भी, वैसे मैं ग्रुप में भी ये लिख के ना एंटर कर देती हूँ, ठीक है? ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. Allah Hafiz.